खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है, जहां पर जिले के सपूत शहीद कैप्टन उपमन्यु सिंह का 15वां शहादत दिवस विशेष कार्यक्रम के साथ मनाया गया। बता दें कि इस अवसर पर कवि सम्मेलन के माध्यम से शहीद को पुष्पांजलि अर्पित की गई। वहीं आपको बता दें कि 7 दिसंबर 2010 को सोपोर कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ते हुए कैप्टन उपमन्यु सिंह ने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। इस अवसर पर शहीद कैप्टन उपमन्यु सिंह स्मृति सेवा संस्थान की अध्यक्षता सुमन सिंह और सचिव डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल ने यह बताया कि वीर रस कवि सम्मेलन का आयोजन शहीद कैप्टन उपमन्यु पार्क में किया गया। कार्यक्रम में वीर रस की रचनाओं के माध्यम से कवियों ने अपनी प्रस्तुतियां भी दी और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा और विशिष्ट अतिथि ग्वालियर की महापौर डॉक्टर शोभा सिकरवार व जयभीर भारद्वाज मौजूद रहे। आज कैप्टन शहीद उपमन्यु की पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पर उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित की और ऐसे वीर सपूत पर हमें नाज है कि जिन्होंने हमारे भारत वासियों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और यहाँ पर सभी लोगों का सभी गण भी उपस्थित थे और शासन में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल जी, महासभा के जयवीर भारद्वाज जी और कैप्टन उपमन्यु की माता जी सभी लोग यहाँ पर उपस्थित थे और भी लोग उपस्थित थे। सभी ने कविताओं का आनंद लिया के बोली गई और उनके चरणों में काफी से सच्चे हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित की। देखिए ग्वालियर के सभी कैप्टन उपमन्यु सिंह 7 दिसंबर 2010 को सोपोर कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे, तब से इस उनका स्मृति दिवस यहाँ मनाया जाता है, शहादत दिवस मनाया जाता है। शहीद कैप्टन उपमन्यु पार्क है जो नगर निगम द्वारा बनाया गया है और स्मार्ट सिटी द्वारा इसका उन्नीकरण किया जाए। प्रति वर्ष यहाँ किसी न किसी रूप में शहीद कैप्टन उपमन्यु को याद किया जाता है और उनकी शहादत को हम प्रेरणा ले ये संदेश देने का कार्य शहीद कैप्टन उपमन्यु स्मृति सेवा संस्थान के द्वारा किया जाता है। आज के दिन यहाँ एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है जिसमें वीर रस के कवि पधारे हैं। रविन्द्र रवि जी के नेतृत्व में लोगों ने कवि सम्मेलन किया है। मुख्य अतिथि के तौर पर मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ की ग्वालियर की प्रथम नागरिक महापौर डॉक्टर शोभा सिकरवाल जी ने और शहर के वरिष्ठ नागरिकों ने देशभक्तों ने इसमें भाग लेकर शहीद कैप्टन उपमन्यु को अपनी पुष्पांजलि भी अर्पित की।